तो दोस्तों सीडियो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी दैट इज CDSL कंपनी के बारे में। और CDSL के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 7% के अराउंड की एक बहुत ही गजब की यहाँ पर जो है वो तेज़ी और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर सेंट्रल डिपॉजिटरी की, तो आज ये काउंटर कहाँ पर आके क्लोज हुआ है, 2000 के अराउंड आके क्लोज हुआ है। इवन तो आज मार्केट वीक था, मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर हमने 1% के अराउंड की गिरावट देखी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो वीकनेस थी। देन टू CDSL जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करके गए, तो ऐसी तो क्या यहाँ पर न्यूज़ है, ऐसा क्या रीज़न है, तो वही हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अभी फ़िलहाल CDSL के अंदर समझना है। एंड इसके फर्दर टारगेट्स यहाँ पर जो है वो क्या रहेंगे, वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो को कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन ना समझे। जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, CDSL के अंदर तेजी आज से नहीं चल रही, ये तेजी पिछले एक आध हफ्ते 10 दिन से यहां पर जो है वो चल रही है। जब स्टॉक ने क्या किया, 1700 के अराउंड, आप सबको पता है कि यहां पर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने CDSL के अंदर 1700 करोड़ के अराउंड का यहां पर अपना स्टेक बेच दिया 7% के अराउंड का, जिसमें उन्होंने 1200 करोड़ का यहां पर जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा धीरे धीरे करके हमें रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला। जैसे इसने 1800 को क्रॉस किया, तब एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि FY24 के अंदर सबसे हाईएस्ट एवर कितने, 3.5 से 4.25 करोड़ डीमेट अकाउंट्स यहां पर एक सिंगल ईयर में ऐड हुए हैं, ठीक है। एंड जो टोटल डीमेट अकाउंट्स का अब यहां पर फिगर है, वो कहीं ना कहीं 11 करोड़ को भी यहां पर क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो बहुत ही हैवी यहाँ पर इंटरेस्ट हमें यंग इन्वेस्टर्स से यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि इक्विटी जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर बीट कर रहा है। एंड अगर यहाँ पर जो है वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगर अगेन यहाँ पर री इलेक्ट होकर आती है, तो मार्केट्स में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। और ये जो बुल रन पिछले कई सालों से हमारे मार्केट के अंदर चल रहा है, एक्सेप्ट 2020, ठीक है, वो तो पेंडेमिक का क्रैश था, बट वो क्रैश में भी मार्केट जो है वो डबल स्पीड से रिकवर हो गया। तो अगर ये गवर्नमेंट री इलेक्ट होके आती है, तो इंडिया का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है, और मार्केट्स भी यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते रहेंगे। इसीलिए लोग जो है वो यहाँ पर बाकी सारे इन्वेस्टमेंट मेथड्स को छोड़कर अभी फ़िलहाल किसके अंदर इक्विटी हो गया, या तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ भी आप कह लो, ठीक है, इसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर जो है वो प्रेफर करते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट के गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको यहाँ पर ईयर इंटरेस्ट भी देती है। एंड कुछ साल तक अगर आप यहाँ पर इन गोल्ड बॉन्ड्स को एज इट इज़ रखते हो, तो फिर वो नॉन टैक्सेबल हो जाते हैं। दैट मीन्स आप वहाँ पर वो अमाउंट पे कोई टैक्स पे नहीं करोगे, वो आपका अमाउंट पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए, कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के वेज इंडिया के अंदर बन रहे हैं, और पब्लिक जो है वो यूथ यहाँ पर स्मार्ट है काफ़ी, और वो यहाँ पर ज़्यादातर अभी फ़िलहाल जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। और इसीलिए CDSL, NSDL, ये कैम्स हो गया, आपका एंजल वन हो गया, BSE हो गया, ये सारे स्टॉक्स इसीलिए यहाँ पर भाग रहे हैं। अब CDSL की अगर बात करें, तो काउंटर एग्जैक्टली कहाँ पे 2000 के ऊपर आके क्लोज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर टेक्निकली एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, बट कंटिन्यूएशन थोड़ा सा आना चाहिए। अगर कंटिन्यूएशन आ गया, तो देखते देखते 2200, और 2200 के बाद आपको 2500 तक के भी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेंज कितनी थी, 1700 से लेकर 2300 पॉइंट की रेंज थी। तो 300 पॉइंट का टारगेट भी अगर आप देख लो, तो 2300 से लेकर 2350 तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो ओवरऑल CDSL भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का भी पार्ट यहाँ पर ये बन सकता है।